प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जिसमें वो बात करेंगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। जी हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम की। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में CAA का कानून लागू हो गया, तो इसी मुद्दे पे आप जानेंगे नाज़िया अली खान जी की पर्सनल राय। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक सबको, सबको सबको रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और आपको एक और बधाई कि जैसा पीएम मोदी ने कहा था, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कहा था, CAA लागू हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और बहुत से लोगों के पेट में दर्द होना फिर से शुरू हो गया है। हाँ, रमजान के इस पवित्र, इतने मुबारक महीने में आज चांद रात है और कल से हम लोगों का रोजा स्टार्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईदी तो पहले ही भारत के प्रधानमंत्री ने सबको दे डाला, पहले ही ईदी दे डाला। और जिस हिसाब से हमारे गृह मंत्री ने हमेशा CAA को लेकर के बहुत सेंटिमेंटली अपनी बातों को रखा है, और हमेशा CAA को भावुक तरीके से वो समझते आए हैं, और जिस हिसाब से 41 पेजेस के जो नोटिफिकेशन सबको आए हैं, मुझे भी आए हैं मेल होकर के, उसकी पूरी कॉपी मेरे पास है, तो पढ़ने के बाद ऐसा एहसास हुआ अंजू जी के बहुत खूबसूरती से इसको लिखा गया है, और बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत सोच समझ के साथ लिखा गया है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मैं नेशनल न्यूज पे थी, तो वहां पर जो कांग्रेस के जो मेंढक और फुदकने वाले लोग थे और विपक्षी दलों के जो लोग थे, वो कह रहे थे कि 4 साल कैसे लग गया। अब सवाल ये आता है कि 26 नवंबर 1949 में भारत के हर एक लोगों ने अपने आप को संविधान पर समर्पित किया था, और उसी संविधान में आर्टिकल 44 था, लेकिन आज भी 76-77 साल में अब तक कॉमन लॉ को एक्सेप्ट करने को ना अवेसी तैयार है, ना कांग्रेस तैयार है, ना कोई तैयार है, कोई भी तैयार नहीं है। तो बात ऐसी होती है ना कि अपने गिरवान में झांकने में बड़ा बुरा लगता है, सबको बहुत तकलीफ होती है। अब देखिए, 1984 राजीव गांधी के जमाने से शाहबानो सायराबानो रो रही थी, खून के आंसू रो रही थी, और अपने अधिकार के लिए रो रही थी भाई, वो भीख नहीं मांग रही थी, अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रही थी, किसी ने उनके आंसू को नहीं पोंछा। 1984 से लेकर के 2017 में एक ऐतिहासिक जजमेंट आया, और देखिए 17 में आया और 19 में पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में कानून पास हुआ, और इतना खूबसूरत कानून पास हुआ और इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। हाँ, अवेयरनेस की अभी भी जरूरत है, क्योंकि अवेसी जैसे लोग आज भी बोल देते हैं, बुखारी जैसे लोग, कि कानून तो पास हुआ तो क्या हुआ, हर बातों पर वो लोग यही बोलते हैं। अब बात आती है के सिटीजनशिप अमेंडमेंट कोई नया तो नहीं है, पहले CAA था, अब CAA हुआ है, अब इसको एक्ट बना दिया गया है। पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट था, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना दिया गया है। 1955 से ये बात चल रही है। क्या किसी को पता नहीं है कि मैं बता देना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी ने उगांडा के हिंदुओं को बुला करके सिटीजनशिप दी थी, फिर राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिलियंस को बुला करके सिटीजनशिप दी थी। अरे भाई, जो काम इंदिरा गांधी जी ने किया, जो काम राजीव गांधी जी ने किया, जिन जिन चीजों के लिए हमारे बापू फादर ऑफ नेशन गांधी जी ने बोला, उसी चीज को तो पूरा किया जा रहा है, उन्हीं सपनों को तो पूरा कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। अब स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, ये बात तो गांधी जी बोले थे, तो उसी को तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया, तो इनको बुरा क्यों लगता है? इसका मतलब है कि साफ साफ तरीके से ये लोग गांधी जी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, ये लोग, और राहुल बाबा तो अपनी ही दादी अम्मी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपने ही नाना अब्बू के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और अपने पिता के भी खिलाफ खड़े हो गए हैं। सोचिए, क्योंकि राजीव गांधी ने खुद श्रीलंका से तमिलियंस को बुला करके सिटीजनशिप दिया था, तो ये कुछ नया तो नहीं हो रहा है, मेरी नजर में तो कुछ नया नहीं है। हालांकि मैं राहुल गांधी की बेटी की उम्र की,
वो भले युवा नेता अभी तक बोलता हो खुद को, तो मैं तो उसके बेटे की उम्र की हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि नया है। आज राहुल गांधी की दशा और दिशा दोनों इतनी खराब हो चुकी है और विपक्षियों की भी दशा और दिशा इतनी खराब हो चुकी है कि आज राहुल गांधी मोदी जी को ऊपर कटाश करने के लिए, मोदी जी को गलत साबित करने के लिए अपनी दादी और अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो चुका है। जो दादी और पिता ने खुद सिटीजनशिप अमेंडमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया था, आज उसी पर और ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इनको बुरा लग रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। अब आती है बात कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता देने की बात कही गई है, नागरिकता छीनने की बात नहीं कही गई है, ये तो दिया जा रहा है। आज आप सोचिए कि जब बंटवारा धर्मों के आधार पर जब बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बना था और मुस्लिम लीग को भारत के मुसलमानों ने समर्थन किया था, समर्थन तो किया था लेकिन पाकिस्तान बनवाने के लिए, इस्लामिक देश बनवाने के लिए समर्थन किया था, लेकिन गए नहीं, गए तो 15% थी, बाकी तो सब यही कलेजे में दाल मूंगने के लिए रह गए। तो जब इस्लामिक देश बन सकता है तो हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है, और मात्र हिंदुओं को रहने की जगह तो सिर्फ एक भारत ही है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो जब ये बंटवारा हुआ था तो 21% माइनॉरिटीज जो थे वो पाकिस्तान में थे, आज पाकिस्तान में 1% माइनॉरिटीज भी मुश्किल से है, मुश्किल से। क्या हम, मैं मुसलमान हूं, आप सनातनी है, क्या मेरे आंख में आंसू नहीं आता है जब मैं पाकिस्तान की 5 साल की बच्ची को देखती हूँ कि 50 साल के बूढ़े आदमी से शादी करवाया जाता है, कन्वर्शन करवाया जाता है? क्या बुरा नहीं लगता है कि मंदिर के दाहिने हाथ में गाय गोरु का गोश्त काटा जाता है और बाएं हाथ में मुर्गी का गोश्त काटा जाता है पाकिस्तान में? क्या बुरा नहीं लगता है कि जैन के सारे धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया पाकिस्तान में, ईसाई के सारे धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया, बौद्ध के सारे धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी? तो अब आप सोचे, अच्छा देखिए, इनकी इनकी कट्टरपंथी देखिए और इनकी गिरगिट वाली शक्ल और गिरगिट वाला तौर तरीका देखिए कि चाइना जब मस्जिदों को तोड़ता है तब ये कुछ नहीं बोलते, ना भारत के किसी बोलते हैं, ना तौकीर बोलता है, ना मदनी बोलता है, ना राहुल बाबा कुछ बोलते हैं और ना ही पाकिस्तान कुछ बोलता है। भाई चाइना ने तो यहां तक कह दिया है कि 2028 तक चाइना में एक भी मस्जिद नहीं रहेगी, एक भी मस्जिद नहीं रहेगी। तो अगर इतने अत्याचारित, इतने ह्यूमिलिएटेड, इतने हैरेस्ड लोगों को अगर यहाँ पर बुला करके नागरिकता दी जा रही है तो इसमें बुरा क्या है, क्यों बुरा लग रहा है, वजह क्या है बुरा लगने का? अब जाहिर सी बात है कि जो हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि शाहीन बाग में एकदम हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे वो सब हो जाता है, उसके बाद फिर जितने भी दंगई आतंकी और जिहादी हैं, जो जो लश्कर ए तैयबा के छुपे हुए जो आए हैं, जो स्लीपर सेल है, जो यासीन मलिक के छुपे हुए स्लीपर सेल है, जो हाफिज सईद के छुपे हुए स्लीपर सेल है, वो सब अब बैठक बनाएंगे या तो शाहीन बाग में या तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता के पाक सर्कस मैदान में। ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि शाहीन बाग में ही सिर्फ इस तरीके का दंगई और आतंकी बैठक नहीं हुआ था, कोलकाता के बगाऊ। नाजिया जी, अभी शाम को देखिए वहां पर फ्लैग मार्च किया है दिल्ली पुलिस ने, शाहीन बाग में सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि शाहीन बाग जो आप बताने जा रही हैं कि वहीं पर ऐसा क्यों, आप देखो वहां पर सुरक्षा अभी पुख्ता करनी पड़ रही है क्योंकि अंदेशा तो है कि वहां फिर कुछ होगा। नहीं नहीं, सिर्फ शाहीन बाग को पुख्ता नहीं करना पड़ेगा, मैं इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ शाहीन बाग को पुख्ता करने से या पुलिस फोर्स बिठाने से नहीं काम चलेगा। पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा हैदराबाद में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के पाक सर्कस में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा आपका तोपसिया में, पुलिस फोर्स बैठाना पड़ेगा मटिया ब्रोज में, क्योंकि पाक सर्कस मैदान में जावेद अहमद खान जो यहाँ जो कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो MLA है और ममता बैनर्जी का ऑर्नामेंट है भाई, वो ऑर्नामेंट है वो, उसने एक साल पाक सर्कस मैदान में CAA के विरोध में उसने वहां पर धरना पर वो बैठा हुआ था।
एक साल, अब आप सोचो कि 10,000 लोगों को एक साल अगर किसी एक जगह पर टेंट बना करके धरने पे बैठा जाए तो कितने करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, और वो करोड़ों रुपए खर्च करके क्या किया जा रहा है, सीएए का बैनर और होर्डिंग लेकर के कि हम सीएए होने नहीं देंगे, उसका बैनर और होर्डिंग लेकर के सब कोई बैठे हुए और दो चार लोग हर वक्त भाषणबाजी करते रह रहे हैं। तो अब सोचिए खान पान रहना सहना स्पीकर को पैसा देना ये करना वो करना वो सारी चीजों को मिला करके एक साल में तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए तो खर्च हुआ होगा। कोई 10,000-12,000 आदमी ऐसे तो नहीं बैठ सकता है अपना काम काज छोड़ करके 24 घंटा टेंट में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो मोटी रकम लेगा तभी बैठेगा, है ना। तो सिर्फ शाहीन बाग में पुलिस फोर्स उतारने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले शाहीन बाग में उतारा गया है पुलिस फोर्स और वहां की सिक्योरिटी को टाइट की गई है, बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। अब उतारना पड़ेगा हैदराबाद में, उसके बाद उतारना पड़ेगा केरला में, उसके बाद उतारना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के पाक सर्कस और कस्बा में, उसके बाद फिर उतारना पड़ेगा फरहाद हकीम जो कलकत्ता को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहता है, चेतला और मटिया ब्रूज के एरिया में, उसके बाद फिर उतारना पड़ेगा दिल्ली के बहुत सारे एरिया है जहां पर मुस्लिम पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी जैसे ओखला वगैरह में वहां पर भी पुलिस फोर्स। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने नाजिया खान जी की राय भी जानी और आशा करता हूं कि वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।